आप सोचिए, अगर आपका बच्चा पहली से पांचवी तक हिंदी मीडियम में पढ़े, उसके बाद छठवीं से लेकर आठवीं तक अंग्रेजी मीडियम और फिर नौवीं से लेकर बारहवीं तक हिंदी मीडियम, तो ऐसे में वो ना तो हिंदी मीडियम का रह पाएगा ना पूरी तरह से अंग्रेजी मीडियम का। लेकिन ऐसा सिस्टम शिक्षा विभाग में चल रहा है। जबलपुर के पनागर ब्लॉक के शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा ही हो रहा है, जहां पर छठवीं से लेकर बारहवीं तक बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ये बच्चे अगली क्लास में क्या करेंगे, इसका जवाब शिक्षा विभाग के पास नहीं है। ये बच्चे पहली से लेकर पांचवीं तक हिंदी मीडियम पढ़कर आए हैं और छठवीं से लेकर आठवीं तक अंग्रेजी मीडियम पढ़ेंगे, लेकिन नौवीं के बाद ये अंग्रेजी मीडियम कहां और किस स्कूल में पढ़ेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 15-16 में ग्रामीण इलाकों के 224 विकास खंडों में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय किया था। स्कूल तो पहली से लेकर पांचवी तक ही खुले थे, उसके बाद ये क्रम आगे बढ़ता, लेकिन जबलपुर में पहली से पांचवी तक का अंग्रेजी मीडियम स्कूल न खोलकर छठवीं से आठवीं तक कर दिया गया। अब बच्चे नौवीं के बाद कहां पर अंग्रेजी मीडियम पढ़ेंगे, ये कहीं से भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। पनागर में संचालित इस स्कूल के बच्चे इस बात से परेशान तो हैं ही, बल्कि यहां पर बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक भी चिंतित हैं और इसके लिए वो कई बार शिक्षा विभाग को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कोई भी दिलचस्पी अभी तक इस विषय पर नहीं ले पाया है। हम सारे की प्राइमरी से इंग्लिश में रहे तो दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सुविधाओं का अभाव है, जैसे बेंच वगैरह हो जाए तो ऐसा लगने लगे कि इंग्लिश मीडियम है। हम पूरी तरह कोशिश करते हैं बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाने की, जितना हो सकता है थोड़ी सुविधाएं हो जाए बच्चों के लिए। आप लोग हिंदी मीडियम से? हाँ, हिंदी मीडियम से, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, इंग्लिश तो इतनी बन जाती है कि बच्चों को हम पढ़ा सकें। और यहाँ पे क्या जो 8th क्लास के बाद से जो बच्चे जाते हैं, तो अभी हमने देखा बच्चों की पढ़ाई जो है वो बढ़िया है, आप लोगों के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो भी हमको एक बहुत अच्छा दिखा, बच्चों ने अच्छा उत्तर दिया। तो मैम इसके बाद जब वो जाएंगे मान लो अदर समस्या हो जाएगी, यहाँ पे आठवीं तक मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है और 9th के लिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। मेरी यही वो है प्राथमिकता है कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल 9th से खोला जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। लोग मैं बचपन से अभी तक 8th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, अब हम लोग जो कि 8th क्रॉस करने वाले हैं तो आगे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, या तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा या फिर जबलपुर मॉडल हाई स्कूल में या फिर अन्य स्कूलों में जाना पड़ेगा। तो मेरी और सभी बच्चों की यही डिमांड है कि आगे भी यहाँ पर 12th तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई का बंदोबस्त हो सर, क्योंकि बहुत कम बच्चे मैनेज कर पाएंगे यहाँ वहाँ, नहीं तो बाकी बच्चों को एक्सेलेंस स्कूल में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। इसीलिए 6th to 8th जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो उनका यहाँ पर पढ़ना व्यर्थ होगा, इसीलिए यही डिमांड है सारी बच्चों की कि आगे की भी पढ़ाई यहीं पर इंग्लिश मीडियम में हो। थैंक यू सर। वहीं हेडमास्टर ने भी माना कि हिंदी मीडियम के बच्चे आठवीं में सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर बच्चों को भी जा रही है, टीचर्स को भी जा रही है, साथ में जो हमारी पोषक शालाओं के बच्चे हैं जो पांचवी तक पढ़े होते हैं हिंदी मीडियम में, वो इस स्कूल में आने से अब कतराने लगे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम एकदम यहाँ पर आके माध्यम चेंज होता है तो उनको वैसे ही इंग्लिश से सब डरते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो डरते हैं, बोले हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ फिर से इंग्लिश मीडियम हो गया है और पूरी बुक्स इंग्लिश में, तो टीचर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि टीचर्स भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं और बच्चों को भी समस्या जाती है, तो इससे हमारी दर्ज संख्या में भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है। शासकीय बालक माध्यमिक शाला पनागर में जब इस स्कूल की शुरुआत हुई थी तब यहां पर 229 बच्चे थे, लेकिन अब यहां पर बच्चों की संख्या 119 रह गई है। अगर यही हाल रहा तो लगातार बच्चे यहां पर कम होते रहेंगे। यहां के शिक्षक इसी तरह बच्चों को छठवीं से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं हिंदी माध्यम से हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये बच्चे आठवीं पास करके निकलेंगे तो वो एडमिशन कहाँ पर लेंगे, क्योंकि प्राइवेट शिक्षा काफी महंगी हो गई है। ऐसे में छात्रों को आठवीं के बाद शायद पढ़ाई बंद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नींव तैयार की जा रही है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि शिक्षा विभाग जागे और सही निर्णय ले जिससे बच्चों का भविष्य बच सके। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।